गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं माया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माया की बंधन में फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, सुबह के 9 बज रखे हैं और आज ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने सुबह 9 बजे से। तो सबसे पहले जा रही हूँ मैं अपनी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो और आज नाश्ते पर बना रही हूँ मैं सूजी की इडली, तो उसकी तैयारी वगैरह कर ली है मैंने थोड़ा बहुत किचन में। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ सूजी यानी रवा की इडली। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं लेके आई हूँ एक सूजी का पैकेट। तो मैं सूजी की इडली बनाना शुरू कर रही हूँ, तो देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो सूजी की इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सारा सामान रख रखा है। ये देखिए, यह है पैकेट वाली सूजी और यह है खट्टी दही और यह है नमक और यह है इनो। इतनी चीज़ का यूज़ करेंगे हम इडली बनाने के लिए। तो चलिए तैयार करते हैं पहले उसका घोल। तो चलिए, तो ये सूजी मैंने निकाल दी है एक कटोरे में। इस कटोरे से, छोटी सी कटोरी से, दो कटोरी हम इसमें सूजी डालेंगे। पैकेट वाली सूजी एकदम साफ है, इसे छानने की जरूरत नहीं है। तो दो कटोरी मैंने इसमें डाल दी है सूजी, और इसी कटोरी से एक कटोरी हम इसमें डालेंगे दही। जितना हम सूजी लेते हैं उसका आधा हमें दही लेना है। और इतना हम डालेंगे इसमें नमक। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जिस चम्मच से मैंने नमक डाला, इसी चम्मच से एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे इनो। इनो इडली को अच्छे से फुलाने के काम आता है। तो ये ऑरेंज फ्लेवर वाला इनो मैं इसमें डाल दे रही हूँ एक चम्मच। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और हम इसे आधे घंटे या 15 मिनट के लिए हम इसे भिगा के छोड़ देंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। चीज़ मिक्स करके मैं इसे ढक देती हूँ 15 मिनट के लिए। ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो जब तक हमारी सूजी भीग नहीं जाती है, हम अपना इडली स्टैंड तैयार कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो इडली स्टैंड में मैंने पानी रख दिया है गरम करने के लिए। उसके बाद मैंने इडली मोल्ड में थोड़ा थोड़ा तेल लगा लिया है ताकि वो चिपके ना इडली। देखिए, तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसी बीच में मैंने चटनी बना ली है। पुदीने, प्याज और टमाटर की चटनी मैंने पीस के रख दिया है इडली के साथ खाने के लिए। तो हमारा पानी भी उबल गया है और अब इसकी भाप से ही इडली पकेगी हमारी। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो अब हम शुरू कर रहे हैं बनाना, और जितना इसमें जगह है उसका आधा डालेंगे क्योंकि आधा इडली फूल जाती है।
तो हमने तीनों तो 10 मिनट हो गए हैं, देखते हैं कि इडली पकी है या नहीं पकी है, चेक करते हैं। और चेक करने के लिए मैंने लिया है चाकू, चाकू से चेक करेंगे हम। अगर इसमें चिपकेगा तो इसका मतलब उसमें और टाइम है पकने का, और नहीं चिपकेगा तो पक गई। चलो देखते हैं। तो फैंस ढक्कन उठा लिया मैंने, अब चेक करने के लिए मैंने नाइफ पकड़ा हुआ है, तो देखते हैं। तो अभी चिपक ही रहा है इसमें, थोड़ी देर और पकाएंगे हम इसे। तो अब दोबारा से चेक करते हैं कि पक गई है या नहीं पकी है, शायद पक गई होगी, अब देखते हैं। तो अब लगभग हमारी इडली बन के तैयार हो गई है, तो पक गई या नहीं पकी तो आप देख सकते हैं। अब चाकू में नहीं लग रहा है, तो अब चाकू में नहीं चिपक रहा है, तो इसका मतलब हमारी इडली बन गई है। तो इसको निकालेंगे, उसके बाद दोबारा बनाएंगे हम इडली। तो इसको निकालने के लिए हम एक चम्मच का यूज़ करेंगे, तो इसको हम निकालते हैं चाकू की मदद से। तो इडली हमारी बहुत अच्छी बनी हुई है, और बहुत ज़्यादा स्पंजी, देखिए। तो दोस्तों इडली बना के ला गई हूँ मैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी हमारी इडली अंदर से तोड़ के। ये देखिए, जालीदार स्पंजी इडली बहुत ही अच्छी बनी है। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट, और चार भी नहाने की तैयारी कर रही है अपनी नाश्ता करने के बाद, और टब में नहाना पसंद करती है। जाओ बेटा बाहर रखो इसे। तो मैं कर रही हूँ नाश्ता, चारों ने खा लिया है और अब नहाने की तैयारी कर रही है अपनी, टब लेके जा रही है बाहर, टब में नहाऊंगी बोल रही है। जाओ फिर बाहर ले जाओ। तो चारों को नहला दिया है मैंने, और उसके बाद मस्ती कर रही है टब में, देखिए। पहाड़ी स्विमिंग पूल। फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह हो गया है, और अब मैं आगे को आपको दिखा रही हूँ रोशनी की बर्थडे पार्टी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और तो ये है रोशनी का बर्थडे केक। और ये है रोशनी बर्थडे गर्ल। तो आप देख सकते हैं आजकल कितनी धूमधाम से हमारे यहाँ लड़कियों का बर्थडे मनाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, ये रहते हैं सायू बाली खेत में। और रोशनी के साथ बैठी हुई है उसकी मम्मी। Happy birthday to you, हाजी। तुम इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई? तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई? कैंडल शैंडल भूख से बुझा के, बेसुरों की भीड़ फालतू में लगवा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजाम मत करवाते हो। ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेल ले, केक शेक को स्टार्टर्स भर भर के आए प्लेट में, घर जाके फिर से डिनर न मंगवाना हो, चूहे ना दौड़े पेट में, रात के पौने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, सोच समझ के इनवाइट भिजवाओ जी, अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो ही न्योता कंसीडर करेंगे जी। हैप्पी बर्थडे टू
भी बुड्ढे हो गए ओ तेरी, दिल छोटा ना करो उम्र का है क्या, बाल झड़ेंगे दांत गिरेंगे वैसे ही। देखो कोई पुराना गिफ्ट हम जो ढूंढ पाए, एक्सपेक्ट तभी करना हम कुछ हाथ में लेकर आए। यू आर ऑन माई फ्रेंड लिस्ट, ये नहीं मजाक है, हम टाइम निकाल के आ गए तो बड़ी बात है। वैसे सच बताओ तुम अब कितने साल के हुए, हमको क्या पड़ी है हम किसी को ना बताए। मुना बिगाड़ो आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम अकेले हो नहीं यहाँ और भी बुड्ढे है। सोच सोच के और बीपी ना बढ़ाओ, सिंग हैप्पी बर्थडे टू मी, बत्तीस चमका के चिल्ला कर गाओ हैप्पी बर्थडे टू मी। अब पैसे वैसे खर्चे हो और केक भी मंगवाए हो, तो पार्टी खत्म होने के बाद सर पटकना जी। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, कैसी लगी तुमको मेरी फिलॉसफी। हैप्पी बर्थडे टू यू हाजी, इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई। कैंडल शैंडल भूख से बुझा के, बेसुरों की भीड़ फालतू में लगवा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजाम मत करवाते हो। ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेल ले, केक शेक और स्टार्टर्स भर भर के आए प्लेट में, घर जाके फिर से डिनर न मंगवाना हो, चूहे ना दौड़े पेट में रात के पौने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, सोच समझ के इनवाइट भिजवाओ जी, अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो ही न्योता कंसीडर करेंगे जी। हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया है जी, तुम और भी बुड्ढे हो गए ओ तेरी, दिल छोटा ना करो उम्र का है क्या, बाल झड़ेंगे दांत गिरेंगे वैसे ही। देखो कोई पुराना गिफ्ट हम जो ढूंढ पाए, एक्सपेक्ट कभी